हेलो एवरीवन, वेलकम टू विल्स आईएएस एकेडमी। टुडे वी आर डिस्कशन वीवीआर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। व्हाई दिस न्यूज इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव व्हिच मिनिस्ट्री हैव बीन हैंडल दिस प्रोग्राम एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो। सो नाउ स्टार्ट। देखिए, जब इंडिया के कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट के बारे में बात आती है तो जो सबसे अंत्योदय या सबसे जो रिमोट एरिया के लोग हैं, जब तक उनका डेवलपमेंट ना हो तब तक हम रियल में डेवलपमेंट और रियल में हम अपने आप को डेवलप नहीं मान सकते। दैट्स अ रीज़न दिस स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसका जो मेनली ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ की सिचुएशंस को संभालना, वहाँ के लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, वहाँ के माइग्रेशन को रोकना और वहाँ के जो वल्नरेबल और वर्किंग एज ग्रुप है इन दोनों को एम्पावर करना। इसी चीज़ को देखते हुए स्पेशली इसमें वुमेन एंड चिल्ड्रन को भी फोकस करने के बारे में बात की गई है। इसकी जो शुरुआत है ये बेसिकली 2080 की एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, उसके अकॉर्डिंग इसको देखा गया कि जो हमारी बॉर्डर एरिया है वहाँ बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है, माइग्रेशन है तो स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, रिसोर्सेज नहीं है, 24x7 हमारे पास रोड नहीं है, 24x7 वहाँ लाइट की कंसर्न्स है, 12 मंथ चलने वाली हमारे पास रोड्स नहीं है, इंफ्रा का कंसर्न्स आ रहा है, लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर का कॉन्सेप्ट है, तो ये सारे कंसर्न्स हमें देखने को मिले थे। और जो इकोनॉमी की जो डिबेट है वो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की डिबेट है। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपकी लाइफस्टाइल के अंदर अगर चेंजेस हो रहे हैं देन वी कंसीडर दिस इज अ डेवलपमेंट, अदरवाइज जो ग्रोथ होगा वो क्वांटिटेटिव होता है और जो क्वालिटी की बात की जाएगी वो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आती है। यही कंसर्न रहा और इसी को देखते हुए इस स्कीम की शुरुआत की गई। फिनेंशियल 2022 से 2023 में इसके बारे में बात की गई और इस 3 ईयर में इसे एक इसने अपना टारगेट को एलोकेट किया और इसमें जो इसका बजट है वो 4,800 करोड़ है और मेनली इसमें 4 स्टेट और 1 UT को कवर किया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशली इसमें ये एक रखा गया है कि हम डेवलप करेंगे उन एरिया को जो बॉर्डर एरिया है और जो पीछे छूट गए, और इसी को देखते हुए अरुणाचल में इसको लॉन्च किया गया अप्रैल 10 को। तो ये इसकी इसका एक ओवरव्यू। और अब हम बात करते हैं कि क्यों ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसकी नीड। तो देखिए, बजट 2020 में इसे अनाउंस करा गया, 2022 में इसे अनाउंस करा गया था और ये कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसमें हमने आइडेंटिफाई करा उन विलेजेस को जो नॉर्दर्न बॉर्डर पे, जिनको हमको इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे हैं और जहां हमको इम्प्रूवमेंट की नीड है क्वालिटी ऑफ लाइफ की, किसकी, वहां रहने वाले लोगों की, और इसीलिए इसको लाया गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था। और इस डेवलपमेंट का जो लॉजिक है वो ये चाहते हैं कि जो आउट माइग्रेशन है इसको रखा जाए, सिक्योरिटी को बूस्ट करा जाए क्योंकि लोकल लोग अगर उस एरिया में रहें तो उनको अच्छे से चीज़ें पता होती है और सिक्योरिटी का जो कंसर्न्स है, माइग्रेशन जितना मिनिमम होगा उतना ही बेहतर होगा, ये भी वहाँ करने की ज़रूरत है। इंफ्रा पे हमें काम करने और इसकी रिकमेंडेशन मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसे रिकमेंड किया था 2018 में और जिसमें इन्होंने पॉइंट आउट करा था कि बैकवर्डनेस है, इलिटरेसी है और लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ है, इंफ्रा लेवल पर भी काफ़ी लैकेज देखने को मिल रही है बॉर्डर एरिया में। इसी को एड्रेस करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP बनाया गया था। अगर हम इसके ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हो गई, एम में वही इन्हीं चीज़ों को और एलोबरेटिव मैनर में देखा गया है कि हम इकोनॉमिक ड्राइव कर पाएंगे और ये जो बेस्ड होगा ये लोकल और नेचुरल ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज को बॉर्डर एरिया में बढ़ाने के बारे में बात की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको देखती है और ऑफिशियली इसको 15 फेब को इसको रिलीज किया गया था। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर काम करता है और इसके अंदर हम प्रमोट करते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को जो इम्पावर कर पाए हमारे यूथ और वुमेन को, जो मैंने आपको बताया कि हमने स्पेशल कैटेगराइज भी किया हुआ है और हम स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हम यहाँ चाहते हैं कि हम डेवलप कर पाएँ और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है VVP का।
ये जो प्रोग्राम है ये पोटेंशियल रखता है कि टूरिज्म को भी डेवलप किया जाए। देखिए टूरिज्म अगर किसी एरिया का डेवलप होता है तो ऑटोमेटिक इकोनॉमी जो है वो मूव बूस्ट करेगी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं होगा, कल्चरल डेवलपमेंट भी वहां देखने को मिलेगा, ट्रेडिशनल जो नॉलेज है वो भी बने। तो जो जो एरिया कटा हुआ है वो मेन स्ट्रीम से कनेक्ट होगा, लोग कनेक्ट होंगे तो उनकी इंफॉर्मेशन आना, उनके बारे में लोगों क्यूरियस होना, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये इसका ओवरऑल जो है चीजें बढ़ती हैं, हेरिटेज के सेफ के लिए जो बातें हैं, ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, ये सारी चीजें इंक्रीज होंगी इस। और ये जो स्कीम है बेसिक चीजों पे काम करती है, जैसे मैंने बताया कि आपको ड्रिंकिंग वाटर 24x7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, और जो ऐसे बॉर्डर एरिया में रोड जो चाहिए जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड करे, कुकिंग गैस भी हम वहाँ प्रोवाइड करेंगे, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हमें वहाँ बॉर्डर एरिया में चाहिए। अब मोबाइल और इंटरनेट का अगर आप देखें पॉलिटी के टर्म में देखें तो आर्टिकल 21-19 के कॉन्सेप्ट में चीज़ें आती है, और बेसिक फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें आती हैं। चलिए आगे अगर हम इस चीज़ को समझें तो इसमें क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया गया, और चूंकि लोकल गांधी जी का वो सपना जो बात करता है कि स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो तभी हो पाएगा, रियल में इंडिया तभी डेवलप हो पाएगा जब लोकल लेवल पे लोकल इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, इसीलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ बात की गई, ग्राम पंचायत को बूस्ट करने के बारे में बात की गई है, और सेंट्रल स्टेट जो है ये दोनों इंश्योर करेंगे इस स्कीम के लिए। आगे हम बात करें तो कनेक्टिविटी वाले ऑप्शंस को मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया जो इसका की आउटकम रहेगा, टूरिज्म हम डेवलप करेंगे, मल्टीपर्पज हमारे सेंटर्स होंगे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को भी यहाँ प्रमोट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ हेल्थ को भी यहाँ एड्रेस करा, कोरोना या इसके पहले भी अगर देखें, अगर ह्यूमन मैनकाइंड के अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो अगर बिना हॉस्पिटल के या बिना आप हेल्थ के अगर कोई ग्रोथ करते हैं तो वो सस्टेन नहीं करने वाली, दैट्स वाई वी कवर इन दिस एरिया हियर। अभी बात करें तो ये एक चीज और इसके साथ श्योर किया गया कि बॉर्डर एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इसको ओवरलैप से ओवरलैप नहीं करना, दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि मल्टीपल टाइम होता है कि जब एक इंटर मिनिस्ट्रल जब डेवलपमेंट हो स्कीम आती है तो एक दूसरे को ओवरलैप करता थी और रियल में वो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता, कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाता है। तो उस चीज को यहाँ ध्यान में रखा गया है। जो फर्स्ट फेज होगा इस प्रोजेक्ट का, इसके अंदर 3 ईयर में के अंदर 662 विलेज को कवर करने के बारे में बात की गई है, और इसमें 455 जो विलेज हैं वो अरुणाचल प्रदेश से हैं। तो ये एक आपके पास ओवरव्यू था। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और कि क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चंस को आप एक बार देख सकते हैं, थोड़ी सी और कंप्रिहेंसिव नॉलेज इसके बारे में अगर आप देखें तो यहाँ पड़ी हुई है कि 46 ब्लॉक में 2966 और 90 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करेंगे। कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का वही मतलब है कि आपको हेल्थ, आपकी बेसिक नीड्स जो है वो आपको चाहिए, और जो आपकी रियल लाइफ के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए ये सारे के सारे आपको यहाँ मिलेंगे। और ये जो विलेजेस हैं स्पेशली अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल, और जो यूटी लद्दाख, तो ये आपके लिए थोड़ा सा जो मैंने 4 स्टेट और 1 यूटी का कॉन्सेप्ट बताया वो यहाँ से ये कवर कर रहे हैं। फर्स्ट फेज जो मैंने बताया कि उनको प्रायोरिटी दी गई, 662 विलेजेस कवर किए जाएंगे। और ये भी है कि इसके अगर हम एरिया पॉपुलेशन देखें तो 1.4 लाख कर पीपल इसके बीच में कवर होंगे, और इनके लिए जो एक्सक्लूसिव अमाउंट रखा गया है स्पेशली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो 2500 करोड़ है। तो इस तरीके से हम रोड डेवलपमेंट को भी यहाँ पूरी तरीके से फोकस करेंगे। बिना कनेक्टिविटी के आप किसी भी टूरिज्म को, किसी भी कल्चर एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर पाएंगे, सोशल लेवल पे प्रमोट नहीं कर पाएंगे। मीडिया एक्सेस चाहिए, मीडिया एक्सेस बिना नेट के नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जहाँ हमको एक कोहरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, एक कोलैबोरेशन लाना पड़ेगा, तब जाके हम चीज़ों को प्रमोट कर पाएंगे। तो ये आपकी ओवरऑल चीज़ें थी जहाँ से बेसिक चीज़ें थी। एक लास्ट सवाल आप देख लीजिए कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है, इसका आंसर आपको देना है। आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे और प्रोग्राम कंटिन्यू हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर UPSC CSE प्रिपरेशन। थैंक यू।